जी क्लास 6 और अस्सलाम वालेकुम। आज आपका लेक्चर नंबर सिस्टम पे है। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज, रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज और जो रियल नंबर के अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर जो आपके पास मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म्स को हमने एक्सप्लेन किया। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पर है ये, और इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे बहुत ज़्यादा इसकी सिलेक्शन होती है। आप इसमें देखिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो इसको आप चेक कीजिएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी के बराबर आना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी भी है। और इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ फॉर्म देखेंगे कि हमारे पास जो इधर फॉर्म दी गई है, ए ओवर बी सी ओवर डी इम्प्लाइज ए ओवर बी मल्टीप्लाई होगा बी डी से, जो कि इसके एलसीएम के तौर पे भी बटा में मौजूद है, और ये बी डी के। तो यहाँ ए ओवर बी आपके पास होगा इंटू वन बी डी, और सी ओवर डी इंटू वन बी डी। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये आपके पास ए इंटू वन बाय बी इंटू बी, इसी तरह सी इंटू वन ओवर डी, ये फॉर्म दी गई है आपके पास बी इंटू डी। तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यूज दी गई हैं, इन वैल्यूज के हिसाब से यहाँ आपके पास इसका आंसर होना चाहिए बी सी, और सिमिलरली इधर आपके पास इसका आंसर होना चाहिए फॉर कैंसिलेशन ए ओवर बी, और इसी तरह डी ए ए डी के बराबर, सॉरी ए डी के बराबर। और ये वैल्यू नेक्स्ट आपके पास हो जाती है फॉर आपके पास बी सी के बराबर। ये जो फॉर्म दी गई है, इस फॉर्म में आप जरा एक वैल्यूज चेक कीजिए कि यहाँ पर आपके पास इम्प्लीकेशंस, यहाँ इम्प्लाइज ये रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस वन इज रिप्रेजेंट फॉर इफ एंड ओनली, जिसको IEEE भी कहा जाता है। हमारे पास यहाँ जो फॉर्म है, इसमें ए इंटू वन ओवर बी बी डी, सी इंटू वन ओवर डी बी डी। जब आप वन ओवर बी और वन ओवर बी को अलग करते हैं, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू दोनों कैंसिलेशन हो जाती है। और यही वैल्यू आप यहाँ देखते हैं कि आप यहाँ इस b को कन्वर्ट करके इसके साथ d के तौर पे, और इसी तरह इन दोनों के मल्टीपल, और ये दोनों मल्टीपल ए डी और बराबर किसके हो जाते हैं, बी सी। तो ये वाली जो फॉर्म है, ये बोथ इम्प्लाइज जिसको हम इफ एंड ओनली भी कहते हैं, कि फॉर्म में इसे इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास इसी के साथ यहाँ फॉर्म होगी कि अगर इस तरह कोई भी क्वेश्चंस आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे ही आता है, तो हम इसकी फॉर्म को इस हालत में हल करते हैं। ये जितनी फॉर्म्स हैं, इनको चैप्टर नंबर 1 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ जो हमने ये मल्टीपल किया है, ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसको हम लास्ट टाइम भी स्टडी कर रहे थे। तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में आप डिवाइड मल्टीप्लाई अगर किसी भी वैल्यू को खुद से कर देते हैं, जिस तरह के ए बटा के बी इज इक्वल टू बराबर होगा ए ओवर बी, तो देन दिस इज रिप्रेजेंट है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, इसे कहा है। तो ये वाली फॉर्म गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन कहलाती है, अगर आप इस वैल्यू को डिवाइड मल्टीप्लाई किसी भी सेम नंबर के साथ कर देते हैं। तो जब भी सेम नंबर के साथ आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाली फॉर्म जो है आपके पास रिप्रेजेंट होती है के ए ओवर के बी इज इक्वल टू ए ओवर बी। हमारे पास नेक्स्ट आज आपका बेसिक टॉपिक होगा फर्स्ट ईयर का, कम्प्लेक्स नंबर। तो इसको आप इससे पहले स्टडी कर चुके हैं, नंबर ऑफ द फॉर्म
नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी वेयर ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड आई रिप्रेजेंट आयोटा, ए इज रियल, ये रियल पार्ट है इसका एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। तो जो रियल पार्ट है वो ए है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास यहां पर बी है। अब यही फॉर्म आप यहां चेक कीजिएगा कि जो आपके पास आयोटा है इज इक्वल टू माइनस वन, और आप जिस तरह इस आयोटा फॉर्म को एक्सप्लेन करते हैं, इसमें आयोटा इज इक्वल टू माइनस वन और आयोटा माइनस वन अंडर रूट के बराबर होता है। ये फॉर्म जब एक्यूरेटी में ली जाती है तो इसमें आपके पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कंप्लेक्स नंबर की आती हैं, जिसमें ए जमा बी आयोटा, सी जमा डी आयोटा, तो इसका मतलब है ए बराबर सी होगा और बी आयोटा बराबर डी आयोटा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी बराबर क्या है इसके डी, तो ये इसकी इक्वलिटी है। रियल रियल के साथ कंपेयर होता है जबकि इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सिमिलरली ए जमा बी आयोटा सी जमा डी आयोटा, तो ए जमा सी आयोटा कॉमन और बी जमा डी, ये आपके पास रियल पार्ट आ जाएगा, ये आपके पास इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन एक है प्रोडक्ट का, ए जमा बी आयोटा सी जमा डी आयोटा, ये इक्वल होगा ए सी के, और इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर ए डी आयोटा के साथ और बी सी आयोटा और बी डी आयोटा स्केयर। तो जो आयोटा है ये मल्टीपल होगा आयोटा से, तो आयोटा स्केयर के बराबर आंसर होगा विच इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ ए सी प्लस आयोटा कॉमन, ए डी जमा बी सी और माइनस बी डी, तो ए सी माइनस बी डी हो जाएगा, आयोटा कॉमन ए डी प्लस बी सी हो, ये इसके सिंप्लीफिकेशन, इसे प्रोडक्ट का आ जाएगा, कंप्लेक्स नंबर का ये प्रोडक्ट कहलाएगा, ये इसकी एडिशन कहलाएगी, इसको हम सब्ट्रैक्शन में भी ला सकते हैं अगर माइनस आ जाए, और ये वाली फॉर्म इसकी फॉर इक्वलिटी के लिए हो, जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज को इक्वल लेते हैं, बराबर लेते हैं। यहाँ चेक कीजिएगा जितनी भी ये वाली फॉर्म्स आ रही हैं, इसमें आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस हालत में रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे पास इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स भी हैं, ये वाली इस सारे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें आपके पास आ जाता है माइनस वन रेज टू पावर माइनस 21 बाई 2, एक्साइज ये 1.2 है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ जो आप फॉर्म देख रहे हैं, इस फॉर्म में आप जरा चेक कीजिए कि नेगेटिव की पावर माइनस 21/2 है, ये आयोटा स्केयर होगा 21/2, 21/2 माइनस 21 वन ओवर स्केयर इंटू 10 इज इक्वल टू वन ओवर आयोटा से मल्टीप्लाइड वाइट, इसका ये स्टेप फिर आप सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट स्टेप में कर लें इसको, तो ये हो जाएगा आयोटा ओवर मंथली वन माइनस आयोटा, इसका रिकॉर्ड आंसर होगा। ये जितनी फॉर्म है ये माइनस वन रेज टू पावर माइनस 21/2 अगर फॉर्म आती है इसका सोल्यूशन, तो यही फॉर्म अगर आपके पास माइनस आयोटा रेज टू पावर 19 आ जाए
तो आप इसे अलग-अलग हल करें। माइनस वन रेज टू पावर 19 अलग होगा, आयोटा रेज टू पावर 19 अलग होगा। माइनस वन आयोटा स्केयर 9 और आयोटा, माइनस वन आयोटा पॉजिटिव आयोटा। दिस इज योर आंसर। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। जितनी ये फॉर्म्स लेते हैं इसमें आपने इन्हें सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। हमारे पास इस तरह ही क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें दो वैल्यू दी गई हैं और इन दोनों वैल्यू को वो प्लस करवा। इट मीन अगर हम ये वैल्यू 4 और 5, 3 और 8, दिस वन इज इट्स ऑर्डर फॉर्म। जब भी आप ए और बी लिखते हैं, ए और बी आयोटा लिखते हैं, तो इसकी ऑर्डर फॉर्म होगी ए व बी। ए कॉमा बी इसकी ऑर्डर फॉर्म होगी जिसमें हम कोई भी वैल्यू जो है उसको डिवाइड करके दो फॉर्म में, डबल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ए और बी, ए इज रियल पार्ट, बी इज इमेजिनरी पार्ट। लिहाजा 4+3 हो जाएगा, 5 iota + 8 iota हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और 13 iota हो जाएगा। तो यहाँ आंसर 7/13। दिस इज योर रिकॉर्ड फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो है उसकी ये रिकॉर्ड एडिशन हो, इसको हम इस हालत में देख सकते हैं। तो आपका बेसिक लेक्चर था एक्सरसाइज 1.2 है। नेक्स्ट मैं इसी क्वेश्चन से आगे प्रोसीड करूँगा। अब यहाँ तक इन्हें कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।